आइए बात करते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट स्पाइनल टीबी पार्ट टू। पहला मिथ यह है कि स्पाइनल टीबी सिर्फ बूढ़े लोगों में और जिन लोगों में इम्यूनिटी कमजोर है उन्हीं को इफेक्ट कर सकती है। फैक्ट यह है कि बूढ़े लोगों में और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उनमें ज्यादा चांसेस रहते हैं रीढ़ की हड्डी की टीबी होने की, पर यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को और स्वस्थ व्यक्ति को भी इन्वॉल्व कर सकती है। ये डिपेंड करता है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, अगर टीबी की पेशेंट्स हैं तो ये हमें भी इन्वॉल्व कर सकती है। दूसरा मिथ ये है कि रीढ़ की हड्डी की टीबी में छाती की टीबी के लक्षण जैसे कि खांसी आना, बलगम आना, ये सब देखे जाएंगे। फैक्ट ये है कि रीढ़ की हड्डी की टीबी बिना फेफड़ों के लक्षण के भी देखी जा सकती है। टीबी का बैक्टीरिया जब रीढ़ की हड्डी में पहुंच जाता है तो वो बैक पेन और एक्सट्रीम केसेस में वीकनेस, पैरालिसिस या पेशाब लैटरिन पर नियंत्रण होना, ये सब इत्यादि दिखा सकता है। ऐसे और मिथ्स एंड फैक्ट्स को जानने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं कनिष्क हॉस्पिटल के इंस्टाग्राम पेज को। थैंक यू।